सीरियल मान्या स्टोर में चीकू फिर से पहुंचेगा धरा के पास। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा और ऋषिता के लिए सुमन और पूरे परिवार ने पार्टी रखी होती है क्योंकि वो जनार्दन का कोई मौका नहीं देना चाहते। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि धरा को कॉल आता है चीकू की नानी का और वो बताती है कि उसको बहुत फीवर हो गया है और वो कहीं ना कहीं धरा को और उस परिवार के प्यार को मिस कर रहा है और इस बच्चे को उन सबकी आदत हो गई है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसको इसका इस चीज़ों का एहसास हो रहा है। और देखने को मिलने वाला है कि वो कॉल करते ही धरा के होश उड़ जाते हैं कि चीकू को फीवर आ गया है और ये सब कुछ देखकर सब घर वालों के होश उड़ जाते हैं कि एक बार फिर से चीकू उनकी ज़िंदगी में आ गया है। देखने को मिलने वाला है कि धरा को बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर चीकू से दूर होने का एहसास है और वो बुरी तरह से टूटी हुई है लेकिन वो अपना जो दर्द है वो दिखा नहीं रही है। तो देखने को मिलने वाला है लेकिन जल्द ही चीकू की तबीयत बहुत बुरी तरह से ख़राब होगी और अब डॉक्टर साफ कह देंगे कि उसे उसकी ही माँ की ज़रूरत है यानी कि धरा की। और उसी के बाद डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट्स की वजह से ही यानी कि डॉक्टर की वजह यहाँ पर चीकू की हालत ख़राब होने की वजह से ही अब फिर से श्वेता अब उसे सौंपते नजर आएगी। लेकिन उसकी नानी यही शर्त रखेगी श्वेता भी इसी घर में रहेगी और उसी के साथ में श्वेता की एंट्री भी पांड्या परिवार में होने वाली है और इसी बात का बतंगड़ बनने वाला है धरा की फैमिली की तरफ से।